अस्सलाम वालेकुम डेली न्यूज़ के नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है। आगाह करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। नाज़रीन, आपको दोबारा आगाह करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत नादरा और इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया है। नाज़रीन, आपको दोबारा आगाह करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इस्तेताह की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 को गैर आइनी करार दिया जाए। नादरा और इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग सिस्टम नाफज करने का हुक्म दिया जाए। नाज़रीन, आपको दोबारा कहा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इस्तेताह की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 को गैर आइनी करार दिया जाए। नादरा और इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग सिस्टम नाफज करने का हुक्म दिया जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़।